व्यू right इस तरीके का है देख सकते हैं आप सभी बहुत सुंदर है बहुत सुंदर चारों तरफ मम्मा हो माइक अनबिलबल वेलकम टू गैरान्स फैमिली कैसे हैं आप सब वो सब अच्छे होंगे मैं भी ठीक हूँ सो डियर फ्रेंड एक न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू अभी सुबह के सात बज के छब्बीस मिनट हैं और हम जा रहे हैं गुरुद्वारे के लिए ऐसे कपड़ों में थोड़े गुरुद्वारे जा रहे हैं तो मेरा है तो हम जा रहे हैं गुरुद्वारे तो ये मेरा सूट है वो बहुत ज्यादा ठंडा है इसलिए मैंने जैकेट डाल रखी है और ये सूट कर रहे हैं तो नहीं हो रहा अच्छे से तो ये है मेरा कुछ इस तरीके का सूट मैं बैग से आप लोगों को दिखा दूंगी सो एवरी वन so ये है मेरा आउटफिट आउटफिट के साथ साथ मैं आप सबको सारी चीजें बताने वाली हूँ इस वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी गोल्डन टेम्पल में जाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए किन बातों को आपको जानना इम्पॉर्टेंट है जैसे कि मुझे नहीं पता था आप लोगों को पता हो मेरी वीडियो के थ्रू बहुत सारी चीज़ें जैसे कि आप कब जाएं दर्शन करने क्या आउटफिट पहन के जाएं किस टाइम पे जाएं और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना क्या अंदर अलाउ है क्या बाहर अलाउ है सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ एंड ये भी बताने वाली हूँ कि आपको होटल कहाँ पर लेना चाहिए किस स्थान पर लेना चाहिए तो आप सही समय पर पहुँच सकते हैं सो एवरी चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम हो गई है मॉर्निंग और मैं निकल गई हूं गोल्डन टेम्पल के लिए तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना होगा मॉर्निंग में फास्ट उठना होगा यानी कि आपको पाँच बजे हमने पाँच बजे हम उठ गए थे मैं नहा ली थी मेरे हस्बैंड नहा लिए थे मैंने मेरे बेबी के कपड़े चेंज कर दिए थे उसके बाद हम ऑटो में बैठ गए थे ऑटो की कहानी ऐसी है कि आपको वहाँ पे मिल भी सकता है और हमने लिया था वॉकिंग डिस्टेंस पे होटल भी तो सबसे पहले आपको इन कबूतरों के बारे में बता दें पंजाब के फेमस कबूतर कबूतर जो कि हर फिल्म में होते हैं जैसे आओ आओ आओव्ला सीन है जो टी में चलिए ऑटो की बात कर लेते हैं ऑटो जो था वो हमने रात में ही बुक कर लिया था जब हमने रेलवे स्टेशन पे उतरे थे तभी हमें ऑटो कार आपको हर चीज़ टैक्सी वगैरह अवेलेबल होती है आपको जो चाहिए सेम प्राइस में आपको मिल जाएगा ना ही ऑटो का कोई अलग है ना ही कार का सो हम बता दें हमने कई सारे ऑटो वाले भैया से बात की लेकिन हमको ये अच्छे लगे इसलिए इनको हमने बुक कर लिया और दो तरीके से आप होटल ले सकते हैं पहला तरीका ये है कि आप पास में ले सकते हैं गोल्डन टेंपल के दूसरा आप दूर ले सकते हैं अगर आप पास में लेते हैं तो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा आपको जैसे कि चा दो चार सौ का एंड दूर लेंगे तो आपको ऑटो वगैरह की दिक्कत सेम चीज़ें हो जाती हैं हमने वॉकिंग डिस्टेंस पर लिया था होटल लेकिन फिर भी हमने क्योंकि हमने बुक कर लिया था ऑटो और सारे प्लेस हैं बहुत सारे प्लेस हैं जिन जिनके आज मैं मतलब दूसरे वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दूँगी तो उसमें आपको जाता है वो बोलते हैं यहां यहां घुमाएंगे और बुकिंग हो जाती है तो हमने कर लिया था तो गोल्डन टेम्पल से स्टार्टिंग थी तो वो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था लेकिन हमने फोन किया कि हमें ड्रॉप कर दो हमारे साथ बच्चा था तो वो भैया मॉर्निंग में हमें ड्रॉप कर दिए और सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए चुनरी और अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो आपके पास ये येलो कपड़ा होना चाहिए ये बाहर आपको अच्छे से मिल जाता है वहां पर खड़े रहते हैं लोग आपको दस में बीस में आराम से मिल जाता है आपके पास बच्चा हो या आप हैं या आपके हस्बैंड है कोई भी है उनके पास सिर में कपड़ा होना इंपॉर्टेंट है यहां से हमने लिया कपड़ा मेरे पास चुन रही थी लेकिन मुझे ये चुन रही अच्छी लग रही थी इसलिए मैंने भी लिया और ये देख सकते हैं ये विशाल भव्य है स्थान गोल्डन टेम्पल का मैंने पहले सोचा था यही है गोल्डन टेम्पल लेकिन नहीं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखानी अंदर की बाकी है तो चलिए मुझे यही लगा था इसलिए मैंने इसको जूम करके दिखाया था कि ये है गोल्डन टेम्पल लेकिन नहीं आप चलिए दिखाती हूँ मैं और यहां की बात करें तो आउटफिट आपको क्या पहनना ज़रूरी होता है तो सबसे पहले आपका आउटफिट बहुत ही धार्मिक टाइप का होना चाहिए आपको मतलब सूट कुर्ती साड़ी आई थिंक सूट ही में लेगी कुर्ती साड़ी भी चलती है इस तरीके के आपके आउटफिट होने चाहिए कुर्ती रहे जीन्स भी रहे तो चलेगा लेकिन कुर्ती लॉन्ग होनी चाहिए ऐसे शॉर्ट्स कपड़े बिल्कुल भी नहीं चलते हैं अब आपको जो सीधा दिख रहा है मंदिर वो है गोल्डन टेम्पल जो कि पूरा गोल्ड का बना हुआ है बहुत ही खूबसूरत मंदिर है एंड आप इंटर करेंगे तो आपकी वाई भी अलग हो जाती है और यहाँ का जो मतलब आप देख रहे हैं यहाँ की जो व्यवस्था है ये काफ़ी कूल है इतनी अच्छी व्यवस्था है जैसे है कि हमने सुना था गुरुद्वारे में ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो एक्चुअल में यहाँ पर था एंड मैं आपको बता दूँ कि अगर आप आपने नागपुर टू अमृतसर वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में है ज़रूर देखिएगा उससे आपको आइडिया मिलेगा कि आपको कैसे नागपुर टू अमृतसर जाना है या कहीं से भी जा रहे हैं तो आपको किस तरीके के से होटल मिल सकता यहाँ पे जो मैं जल ले रही हूँ ये अमृत जल है यही चारों तरफ से है इसी के नाम से आई थिंक अमृतसर है तो ये अमृत रस के रूप में माना जाता है यहाँ पे बहुत लोग स्नान करते हैं यहाँ का जल लेते हैं तो हमने जलपान किया था अपने हस्बैंड को भी कराया अपने बेबी को भी एंड हम सुबह सुबह नहाए थे इसलिए हम नहा नहीं सकते थे बच्चा भी था जिनको नहाना होता है वो लोग नहाते भी हैं और इतनी श्रद्धा इतने अच्छी साउंड आ रहे थे वहाँ से इतने अच्छा मतलब माहौल था मैं बातें भी कर रही थी लेकिन मैं सोची मैं आप सभी को क्यों ना इंफॉर्मेशन के रूप में इस वीडियो को प्रस्तुत करती हूँ उसके बाद ये चारों तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से मॉर्निंग का भी तो मॉर्निंग का आने का मकसद आपका एक चीज़ बहुत ही अच्छा रहेगा कि अगर हम मॉर्निंग में आते हैं तो आपको क्राउड कम मिलेगा उसके बाद भी हम थोड़ा लेट हो गए थे जस्ट बिकॉज हमारा बेबी थोड़ा सा परेशान किया था उठ के हमको तैयार करने में उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम थी तो साढ़े सात सम हो गए थे एंड जो हमारा होटल था बहुत ही पास में था हमारे गोल्डन टेम्पल से तो वो थोड़ा हमारे लिए प्लस पॉइंट था अब चलिए चलते हैं आपको नेक्स्ट लोकेशन पर बताते हैं कि अब क्या करना है आपको तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लोग स्नान करते हैं वो यहां पर चेंज वगैरह कर रहे हैं एंड बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत एरिए में बना हुआ है और ये जो द्वारपाल आपको दिख रहे हैं ये हर चीज का ध्यान रखते हैं लाइक आपका पर्स अगर कहीं पे छूट गया आपका बच्चा इधर उधर जा रहा है या फिर आपको ये आप सब व्यवहार कर रहे हैं तो उन सारी चीजों में आपका ध्यान रखें जैसे कि आप अगर स्लीवलेस वगैरह भी पहने हैं तो जैकेट वगैरह डाल के जाएं क्योंकि आपको इम्पेयरेस्ड फील ना हो आपको अच्छा फील हो कोई टोंके ना इसलिए आप हमेशा अच्छे से जाएं यहाँ पे देख सकते हैं मैं चल रही हूँ और इनको मैं बोली कि थोड़ा सा वीडियो शूट कर लो मेरा भी क्योंकि मैं तो सिर्फ सूट ही कर रही थी तो इन्होंने थोड़ा सा सूट कर दिया अब चलिए चलते हैं आपको नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देते हैं उसके बाद आपको क्या करना होगा यहाँ पे फ्री सुविधा है आपको सूज़ खोलने की तो आप सबसे पहले जाएंगे तो सूज खोल देंगे सूज़ यहीं अंदर कंपाउंड में आने से पहले ही आपके सूज निकाल दिए जाते हैं तो वहाँ पर फ्री में आपको टोकन मिलता है वहाँ पर आप जाइए और रिमूव करिए अपने शूज टोकन रख रखिए अच्छे से रिटर्न में आपके शूज आपको मिल जाएंगे अब ये है इंटर जहाँ से हम लगे थे लाइन और देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से पंजाबी में लिखा हुआ यहाँ पे हम लग गए थे लाइन और बहुत लंबी लाइन लगी थी आप देख सकते हैं अभी हम लाइन लगने जा ही रहे थे तो कुछ इस तरीके से बहुत लंबी सी लाइन लगी थी और अंदर शूटिंग भी मना थी तो चलिए जितना कुछ भी मैं सूट करी हूँ वो मैं सारी चीज़ें आपको दिखाती हूँ और ये जो मंदिर का इम्पॉर्टेंट है वो सबसे ज़्यादा ये है कि जितना मतलब चारों तरफ से मतलब घिरा हुआ है और चार द्वार हैं इसके आ, कहते हैं सारे धर्म के लिए ये मतलब खुला हुआ है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो चार दरवाजे हैं इसके एंड अब हम आ गए थे दर्शन करके आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सुबह सुबह का व्यू था बहुत ज़्यादा फॉग था एंड कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था दूर से जहाँ पर लाइट थी वहीं की चीज़ें दिखाई दी थी और प्रसाद तो यहाँ का जो मिलता है वो इतना टेस्टी इतना स्वादिष्ट रहता है एक जगह फ्री में मिलता है बाकी जगह आपको टोकन लगते हैं दस पाँच रुपए के तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं अब मैं आपको दिखाऊंगी नाइट का व्यू नाइट का व्यू ये ऐसा है कि मैं वोगा बॉर्डर से घूम के आई थी लेकिन मुझे दर्शन करने थे रात का व्यू कैसा रहता है गोल्डन टेम्पल का वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने के लिए सूट करी हूँ तो बाघा बार्डर से आने के बाद फिर मैं एक ए, मतलब होटल में ही रूम अपने ड्रेस चेंज की लेकिन ये सारी चीज़ें भी रिमूव करके आपको मंदिर के अंदर जाना पड़ता है मतलब जैसे हम मैंने टैटू वगैरह कराया था ये सब भी रिमूव करना इंपॉर्टेंट होता है तो आप रिमूव करके जाइएगा हैंड अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो बाघा वाडर की पूरे अमृतसर की हमने कहाँ कहाँ जलिया वाला वाह जो कुछ भी घूमा है नेक्स्ट वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक like कर दीजिए और शेयर कीजिए वीडियोज़ को ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो अगर आपको कोई क्वेश्चन है कि कैसे क्या होता है आप नाइट व्यू भी देख लीजिए अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर मैं कुछ भूल गई हूँ बताना तो आप लोग ज़रूर कमेंट में मुझसे पूछिए कि क्या आपको जानना है एंड खूबसूरत मंदिर का भी वो आप देख सकते हैं इतना खूबसूरत इतना खूबसूरत इसलिए मेरे को नाइट में जाना इम्पोर्टेंट था और ये मैंने रिमूव किया था हाथ से इसलिए ज़्यादा रिमूव नहीं हुआ था लेकिन वहाँ मैंने एक जन को सुना था उन्होंने टोका था कि इसको रिमूव करके जाओ तो कोई धर्म द्वेश ऐसा वहाँ पर नहीं चलता है सो so अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टेक केयर टू ऑल मिलता है नेक्स्ट वीडियो में बाय बा सी यू सोन